Hey guys, namaste, namaskar. Once again, welcome back to my YouTube channel, Janagar Madam. This is Janagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely fit and fine. In today's class, we will learn advanced English structure. And today is advanced English structure day 13. Yes guys. आज हम लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 13 में आ चुके हैं और आज का जो मैं जो भी सेंटेंस लेकर के आई हूं वो बहुत ही आम बोलचाल की सेंटेंसेस है और मैं बहुत ही इजी वे में सिखाने वाली हूं। जैसे मैं एक बार में समझाऊंगी एक सेंटेंस को, अब सारे सेंटेंस को आप खुद सॉल्व कर लोगे, दैट आई एम श्योर गाइस। और हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखने वाले हैं, जैसे जब बोलना हो अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, मतलब किसी भी कार्य को करने की आदत डाल लो। ओके, जैसे पैसे बचाने की आदत डाल लो, तमीज से बात करने की आदत डाल लो, सच बोलने की आदत डाल लो। तो गाइस, इसी तरीके सेंटेंसेस को आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आप इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और गाइस, ये जो लिसनिंग पावर होता है वो आपको बढ़ानी होगी। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लिसन कीजिए, उस चीज को बोलिए और अपने डेली रूटीन में इन सारे सेंटेंस को आपको लाना पड़ेगा। आप जितना बोलेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही इंप्रूव होगी, इस चीज को आप भी जानते हैं। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यू हैव टू एक्सटेंड दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम सेंटेंस को देख लेते हैं, कौन कौन सी सेंटेंस को आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं, कौन कौन सी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तमीज से बात करने की आदत डाल लो, पैसे बचाने की आदत डाल लो, मेहनत करने की आदत डाल लो, सच बोलने की आदत डाल लो, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, समय पर आने की आदत डाल लो, सोच समझकर कार्य करने की आदत डाल लो, सबके साथ मिलजुल कर रहने की आदत डाल लो। तो गाइस, इन सारे सेंटेंस को आप सुने हैं तो एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे, इन सारे सेंटेंस में एक चीज कॉमन आया हुआ है, आदत डाल लो, आदत डाल लो, आदत डाल लो। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे, स्ट्रक्चर में कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए, आदत डाल लो को हम इंग्लिश में बोलेंगे गेट इनटू द हैबिट। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे ही स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आप आसानी से बना लेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगी, जैसे आदत डाल लो के लिए हम यूज करेंगे गेट, गेट इनटू द हैबिट, गेट इन टू द हैबिट। एंड उसके बाद गाइस, सारे सेंटेंस में की क्या है कॉमन आया हुआ है, तो की की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ, ऑफ, गेट इन टू द हैबिट ऑफ, प्लस प्लस उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म की यूज करनी है, वर्ब की
फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गेट इन टू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आपको आईएनजी लगाना है, क्योंकि आईएनजी लगा करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाई जाती है। आई होप कि गाइस आपको इस स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के बेस पे इन सारे सेंटेंसेस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। तो गाइस जब भी किसी कार्य को करने की आदत डाल लो, जब बोलनी हो तो आप इसी स्ट्रक्चर को आप यूज करेंगे। आदत डाल लो के लिए हम यूज करेंगे गेट इनटू द हैबिट, एंड की क्या है सब में कॉमन है, तो ऑफ उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है तमीज से बात करने की आदत डाल लो। तो आदत डाल लो कि इंग्लिश सबसे पहले लेंगे, गेट इन टू द हैबिट ऑफ, ओके, गेट इन टू द हैबिट, उसके बाद ऑफ की आदत डाल लो। किसकी आदत डालनी है, क्या चीज की आदत डालनी है, तो इसके बाद क्या है वर्ब की फोर्थ फॉर्म बात करने की, क्या है क्रिया है, तो क्या हो जाएगी टॉकिंग। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तमीज से, तो तमीज से को इंग्लिश में बोलते हैं पोलाइटली। गेट इन टू द हैबिट ऑफ टॉकिंग पोलाइटली, गेट इन टू द हैबिट ऑफ टॉकिंग पोलाइटली, गेट इन टू द हैबिट ऑफ टॉकिंग पोलाइटली। तो गाइज आपको मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, सुनिए फिर मेरे साथ साथ बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, ओके। पैसे बचाने की आदत डाल लो, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, गेट इन टू द हैबिट ऑफ, ओके, गेट इन टू द हैबिट ऑफ, आदत डाल लो कि इंग्लिश सबसे पहले लेनी है, गेट इन टू द हैबिट ऑफ, क्या चीज की आदत डालनी है, पैसे बचाने की, तो इसमें बचाने क्या है वर्ब है, तो क्या हो जाएगी सेविंग। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, पैसे मनी। मनी गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। मेहनत करने की आदत डाल लो, तो आदत डाल लो गेट इन टू द हैबिट ऑफ की इंग्लिश ऑफ, क्या चीज की आदत, मेहनत करने की, तो क्या हो जाएगी मेहनत करने की, तो क्या हो जाएगी वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड गेट इन टू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, गेट इन टू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सबको वीडियो को स्किप नहीं करनी है, यदि आप स्किप करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हिंदी के ऐसे बहुत से ऐसे शब्द है, उस शब्द को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, वो पता नहीं होती है, जब आप सुनेंगे तो ही आप सीखेंगे। तो इसके लिए तो आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ साथ बने रहना होगा और मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना होगा।
क्योंकि मैं एक सेंटेंस को दो बार बोल रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, लिसनिंग करना है, लिसन करना है, एंड सेकेंड टाइम में आपको मेरे साथ साथ से अलाउड बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है और इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन में लाना है। जब तक अपने डेली रूटीन में आप इन सारे सेंटेंसेस को नहीं लाइएगा, नहीं बोलिएगा, आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हैं। यदि आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन में लाना ही होगा। इस चीज को आप भी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज को बोलना पड़ता है। तो सुनिए, बोलिए, रिपीट करिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने डेली रूटीन में इन सारे सेंटेंसेस को लाइए। आपको घबराना नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, तो आप मिस्टेक को इग्नोर करेंगे। जब तक आप मिस्टेक को इग्नोर नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो आपको कोशिश करना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप पे डिपेंड पड़ता है आप कितना मेहनत करते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे आपको उसी अनुसार से आपको फल भी मिलता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, सच बोलने की आदत डाल लो। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, गेट, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इंटू द हैबिट ऑफ। सारे सेंटेंस में क्या है, कॉमन है, क्या है, गेट इंटू द हैबिट ऑफ। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, क्या है क्रिया, बोलने, तो क्या हो जाएगी, टेलिंग। Telling the truth. Truth. Get into the habit of telling the truth. Get into the habit of telling the truth. मतलब सच बोलने की आदत डाल लो, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। तो क्या सबसे पहले क्या बोलेंगे, गेट इंटू द हैबिट ऑफ, गेट इंटू द हैबिट ऑफ। सारे सेंटेंस में क्या है, कॉमन। एंड उसके बाद बोलने, तो क्या हो जाएगी, स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या हो जाएगी, इंग्लिश। गेट इंटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, गेट इंटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, तो क्या हो जाएगी, Get into the habit of, क्या है, उठने की। ओके, तो क्या हो जाएगी, getting off, getting up इन द मॉर्निंग, क्या है, सुबह जल्दी, इन द मॉर्निंग। गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। समय पर आने की आदत डाल लो, तो क्या हो जाएगी, गेट इनटू द हैबिट
ऑफ, क्या है सारे सेंटेंस में कॉमन है, आदत डाल लो की मीन्स ऑफ। ओके क्या है एनिक, तो क्या हो जाएगी कम कमिंग। ओके कमिंग ऑन समय पर, ऑन टाइम। आई होप कि गाइज मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। Hey guys, how do you like our video? If you like our video, then please guys like, subscribe and share. करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। Get into the habit of coming on time. Get into the habit of coming on time. I hope कि guys आप मेरे साथ साथ बने रहेंगे, मेरे साथ साथ आप practice भी करेंगे, तो बने रहिए। सोच समझकर कार्य करने की आदत डाल लो, तो क्या हो जाएगी get into the habit of, उसके बाद क्या है कार्य करने। ओके तो क्या हो जाएगी working, working सोच समझ कर, तो क्या हो जाएगी thoughtfully। Thoughtfully. Get into the habit of working thoughtfully. Get into the habit of working thoughtfully. And last sentence है, सबके साथ मिलजुल कर रहने की आदत डाल लो, तो क्या हो जाएगी Get into the habit of, उसके बाद क्या है मिलजुल कर, तो क्या हो जाएगी getting along, सबके साथ क्या है ऑब्जेक्ट है with everyone. Get into the habit of getting along with everyone. Get into the habit of getting along with everyone. Now, guys, your turn. अब आपकी बारी है। मैं दो होमवर्क दे रही हूं आप सबको, आपको कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है क्योंकि मुझे भी तो पता चलनी चाहिए ना कि आप कितना सीखे हैं। अच्छा काम, अच्छा काम करने की आदत डाल लो, अकेले रहने की आदत डाल लो, अच्छा काम करने की आदत डाल लो, अकेले रहने की आदत डाल लो। दिस टू सेंटेंसेस आर फॉर यू, सो प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। तो गाइस आप देखिए इसमें
सबके साथ मिलजुल कर रहने की आदत डाल लो। यहाँ पे डाल लो के बदले में आप डालो भी बोल सकते हैं, जैसे सबके साथ मिलजुल कर रहने की आदत डालो, सोच समझकर कार्य करने की आदत डालो, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो भी आप इसी तरीके से आप इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। डालो या डाल लो का मतलब इंग्लिश में सेम ही आता है, सेम सेंस आती है। सो हे गाइस, मेरी वीडियो आपसे कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी सीख पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो ऑल वाले घंटी का निशान दिख रहा है प्लीज उससे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। माय डियर गाइस, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, दिस अ लिटिल मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज राइट आंसर। गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग इज रॉन्ग आंसर।